सो अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट आईएएस। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं थोड़े से और, ठीक है, रिलेटेड टू द कार्नट साइकिल, रिवर्स कार्नट मतलब। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्नट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स 1.5, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, है ना, बहुत ध्यान से देखना है, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है, किस यूनिट में डेटा दिया वो देखना है और हिसाब से फिर सॉल्व करना है। तो आपको बोला गया कार्नट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। पहले तो माय डियर ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जरा देखो, इट रिक्वायर्स 1.5 किलोवाट पर टन। रिक्वायर्स का मतलब इनपुट, तो दिस इज व्हाट, 1.5 किलोवाट इज व्हाट, वर्क इनपुट है कि नहीं, पावर इनपुट है, राइट। पर टन का मतलब होता है माइडियर, एक टन रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना वर्क इनपुट देना पड़ेगा, 1.5 किलोवाट, ये इसका मतलब है। द पावर इनपुट रिक्वायर्ड इज व्हाट, 1.5 किलोवाट, सो एज टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। बात समझ आई, टू मेंटेन अ रीजन एट अ टेम्परेचर ऑफ -30 डिग्रीज, ठीक है बात। आपको निकालना क्या है, सीओपी ऑफ द कार्नट रेफ्रिजरेटर इज, ठीक है, समझ आ रहा है क्वेश्चन की नहीं। आपको दिया गया यहां पर 1.5 किलो वॉट पावर इनपुट इज रिक्वायर्ड सो एज टू प्रोड्यूस 1 टन, पर टन का मतलब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, राइट। और आपको इवेपोरेटर का टेम्परेचर दिया है, मतलब लोअर टेम्परेचर -30, सो हैव टू फाइंड आउट व्हाट सीओपी ऑफ द कार्नट रेफ्रिजरेटर। सॉल्व कीजिए, तो बेसिकली आपको दिया क्या है, और वैसे है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, सच बताऊं कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। पावर इनपुट क्या दिया हुआ है, 1.5 किलो वॉट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या फिर डिजायर्ड इफेक्ट क्या दिया हुआ है, पर टन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब 3.5 किलो वॉट, समझ में आ रहा है। तो डिजायर्ड इफेक्ट वर्क इनपुट, सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन पावर इनपुट, तो 3.5 डिवाइड बाय व्हाट, 1.5, दैट्स इट, खत्म। ये हो जाएगा 5 7 5 3 जा, दिस विल बी व्हाट, 2.33, बस खत्म आंसर। अब देखो, ध्यान से देखो माय डियर, इवेपोरेटर का टेम्परेचर दे रखा है, कार्नट सीओपी आ चुकी है, तो क्या आप यहां से हाई टेम्परेचर निकाल सकते हैं, हायर टेम्परेचर? अरे आपको एक लोअर टेम्परेचर पता है, राइट, सॉरी क्वेश्चन ये है। खैर अपना तो आंसर आ चुका है ऑप्शन बी, सीओपी की वैल्यू ऑप्शन बी बॉम्बे 2.33, करेक्ट, ठीक है। बट बात ये, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, अब अगर देखो अपने को सीओपी पता है और दूसरा अपने को क्या पता है, इवेपोरेटर टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है जो लोअर टेम्परेचर है, तो क्या मैं हाई टेम्परेचर निकाल सकता हूँ, टी एच निकल सकता है कि नहीं, मैं यही पूछ रहा था, बिल्कुल निकल जाएगा आराम से। अब सीओपी बराबर क्या होता है, TL/TH-TL, दैट्स इट, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, टी एच निकाल सकते हैं ना, आराम से निकल जाएगा, ठीक है, ओके, चलिए, वेरी गुड। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला, ये बेटर क्वेश्चन है थोड़ा सा, इट इज मच बेटर क्वेश्चन, देखिए बहुत ध्यान से, सी एट हियर, सी क्या बोल रहा है यहां पर माय डियर, दो डिवाइस है आपके पास, ई इज द इंजन एंड आर इज द व्हाट, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, राइट। बट बात ये दोनों ही क्या है, देखिए इंजन की एफिशिएंसी दे रखी है 0.4, ई की एफिशिएंसी 0.4 है, एंड आर इज अ रेफ्रिजरेटर, राइट, एंड बोथ ऑफ देम आर व्हाट, कार्नट, ओके, बोथ ऑफ देम आर रनिंग ऑन कार्नट साइकिल। आपको क्या दे रखा है, गिवन दैट Q2+Q4=3Q1, ये आपको कंडीशन दे रखी है। अब देखो Q1, Q2, Q3, Q4 आपको दिया हुआ है, देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखना, ये इंजन है, इंजन से वर्क आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, ये जो वर्क आउटपुट निकला ये कहां यूटिलाइज हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में माय डियर। और माय डियर एक चीज और, यहां पर रेफ्रिजरेटर में पूरा का पूरा जो वर्क आउटपुट है इंजन का वो यूटिलाइज हो रहा है, बात ठीक है, यहां पर इंजन का जो है पूरा का पूरा वर्क आउटपुट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द रेफ्रिजरेटर, ये भी है, ठीक है, दिस द पॉइंट टू बी नोटेड हियर। अदरवाइज क्या होता, अगर ये नहीं होता ना, तो हमसे पूछता नेट वर्क आउटपुट इतना है, ठीक है ना कुछ बोलता कि नेट वर्क आउटपुट, ध्यान है अपन ने क्वेश्चन किया था, इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन कर चुके हैं ना, ध्यान है, थर्मोडायनेमिक्स में याद है बिल्कुल, तो करीब करीब वैसा ही क्वेश्चन है, बट द थिंग इज ओवर हियर, यहां पर एक चीज अच्छी बात यह है कि यहां पर जो पूरा का पूरा वर्क आउटपुट है इंजन का कहां कंज्यूम हो चुका है, रेफ्रिजरेटर में। तो आपको निकालना क्या, अल्टीमेटली सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर,
ठीक है, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेंट निकालना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो अच्छे से, डेटा नोट कर लो, डेटा अच्छे से नोट करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और ऑप्शंस नोट कर लो, ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलिए फटाफट, छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके मुकाबले तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में किया था, ठीक है। चलिए देखिए इधर, सो दिस इज व्हाट इंजन, दिस इज व्हाट रेफ्रिजरेटर है ना। अब इंजन क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट फ्लो होती, राइट। सो दिस इज व्हाट क्यू वन, दिस इज व्हाट क्यू टू एंड दिस इज व्हाट डब्ल्यू, और ये दे रखा है क्यू फोर एंड ये दे रखा है क्या क्यू थ्री, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा ही वैलिड होता है। तो इंजन के केस में क्या होता है, क्यू वन बराबर क्यू टू प्लस डब्ल्यू और नॉट, बोल सकते हैं इंजन के केस में Q1 बराबर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, Q1 इक्वल टू व्हाट, Q2 प्लस W और नॉट, समझ आए बात। और वहीं रेफ्रिजरेटर के लिए क्या हो जाएगा, W विल बी व्हाट, Q3 माइनस Q4 और नॉट, W बराबर Q3 माइनस Q4 और नॉट, इज दैट क्लियर, राइट। अब यहां से W की वैल्यू उठा के यहां रख दें तो अपने पास में सारे Q जो है ना हीट उसका रिलेशन आ जाएगा। तो ये W की वैल्यू क्या है, Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 बराबर Q3 माइनस Q4, ठीक है, दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। कमाल की बात यह है माय डियर, यहां पर टेम्परेचर्स नहीं दिए अपने को, हाँ लेकिन एक इंफॉर्मेशन और दी, एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या है 0.4। नाउ एफिशिएंसी क्या होती है, ध्यान करो एफिशिएंसी क्या होती है इंजन की, यस नेट वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड, सो वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड क्या इंजन के लिए, ध्यान से देखो इंजन को कौन सी हीट सप्लाई हो रही, क्यू वन, समझ में आया। So therefore W को मैं क्या बोल सकता हूं, 0.4 टाइम्स Q1, राइट, विच इज ऑल्सो वर्क, यहां से देखो Q1 माइनस Q2 है, अरे यहां तक ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स Q2 इधर 0.4 Q1 उधर, तो Q2 विल बी 0.6 टाइम्स Q1 आ जाएगा। दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन सॉरी, ये पहली इक्वेशन है, दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन, गॉट दी पॉइंट, ओके। एक इक्वेशन अपने क्वेश्चन में दी हुई है, क्यू टू प्लस क्यू फोर बराबर क्या थ्री क्यू वन दिया हुआ है ना, ठीक है बात। नाउ दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इसके अलावा कुछ और आप डिराइव कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, तीन इक्वेशन बन चुकी है, राइट। अब हमें निकालना क्या, हमारा पर्पज क्या है, सीओपी निकालना, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट, वॉट इज आर डिजायर्ड इफेक्ट, क्योंकि रेफ्रिजरेटर है तो Q4 या Q3 होगा डिजायर्ड इफेक्ट, Q4 होगा ना, तो Q4 अपॉन वर्क इनपुट Q3 माइनस Q4, Q4 अपॉन Q3 माइनस Q4, ठीक है बात, ठीक है, अरे समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है ना। नाउ एक चीज बड़े ध्यान से देखो, Q4 अपॉन Q3 माइनस Q4 को क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, Q1 माइनस Q2 लिख सकता हूं, इक्वेशन वन से लिख दिया इसको, ठीक है। अच्छा अब माय डियर आप एक काम कीजिए, कोई भी एक जो दोनों जो हीट है ना उसको तीसरे के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है, वापस बोल देता हूं, कोई भी दो जो हीट वैल्यू है ना उसको आप तीसरे के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं। जैसे Q2 को मैंने एक्सप्रेस कर रखा है इन टर्म्स ऑफ Q1, Q2 को मैंने Q1 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा है, अब आप Q4 को भी Q1 के टर्म्स में एक्सप्रेस करिए। तो इस इक्वेशन को देखो, Q2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.6 टाइम्स Q1 लिख सकता हूं प्लस Q4 इक्वल टू 3Q1, सो Q4 आ जाएगा 3Q1 माइनस 0.6Q1, तो दैट विल बी हाउ मच, 2.4 है ना, 2.4 टाइम्स Q1, तो Q4 भी मैंने Q1 के टर्म्स में निकाल लिया। अब आप Q4 को इसमें रखिए, ठीक है, Q1 तो है ही पहले से, Q2 को भी Q1 के टर्म्स में रखिए, तो ऊपर नीचे Q1 Q1 कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, COP Q4 क्या है, 2.4 Q1 डिवाइड बाय Q1 तो है ही माइनस Q2 क्या रखूं, 0.6 Q1, राइट, सो दैट विल बी 2.4 Q1 डिवाइड बाय व्हाट, 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4 Q1, तो देखिए Q1 Q1 कट गया ना, एंड 2.4 डिवाइड 0.4 क्या आता है आंसर, 6 आंसर, ठीक है ना, आंसर आ गया, आई होप आप सबका आंसर आ गया होगा, अरे यहां तक ठीक है बात, सिंपल है ना क्वेश्चन, कौन सा मैच हो गया,
ऑप्शन 6 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बात, तो इट वॉज अ बेटर प्रॉब्लम राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। चलिए अब कुछ assertion reason क्वेश्चन करते हैं, है ना, लेट्स डू सम assertion reason क्वेश्चन। ठीक है, वन मिनट, यस हियर इट इज, इसको देखो बड़े ध्यान से। ठीक है, assertion reason बहुत ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसको ना इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को फिर इसका रिप्लाई करो। सो लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली माय डियर, असर्शन रीजन है ना, ऑप्शन सेम रहेंगे माय डियर, ये देखिए ऑप्शंस वही रहेंगे, देख लीजिए आप अच्छे से ए बी सी डी किस तरीके के ऑप्शन है, समझे। चलिए क्वेश्चन देखो, ऑल्दो अ हीट पंप इज अ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफर्स व्हेन इट इज ऑपरेटिंग ऑन द हीटिंग साइकिल। बहुत ध्यान से समझना माय डियर, ऑल्दो अ हीट पंप इज अ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, आपको सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, सर हीट पंप रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। माय डियर रेफ्रिजरेटर जो है, जैसे नॉर्मली जब क्वेश्चन में दिया होता है ना रेफ्रिजरेटर, तब तो हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, क्यू एल है ना, सीओपी में जब हम डिजायर्ड इफेक्ट लिखते हैं तो क्यू एल होता है ना, बट माय डियर ये भी एक तरीके का रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम ही, वाई बिकॉज हीट पंप में भी क्या होता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है, हीट पंप में भी क्या होता है रेफ्रिजरेंट। तो ऑल्दो हीट पंप इज अ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफर्स व्हेन इट इज ऑपरेटिंग ऑन द हीटिंग साइकिल, तो असर्शन रीजन क्या है, इट इज द कंडेंसर हीट दैट इज यूजफुल डिजायर्ड इफेक्ट इंस्टेड ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ध्यान से बताओ आंसर, करेक्ट करेक्ट आंसर बताइए इसका, बहुत सिंपल है माय डियर। देखिए असर्शन पढ़ते हैं, हीट पंप ऑल्दो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफर्स व्हेन इट इज ऑपरेटिंग ऑन द हीटिंग साइकिल, बिल्कुल सही है यार, जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है दैट इज डिफरेंट एज पर द विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग इन समर्स, है ना, क्योंकि उस केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है क्यू एल, और हीट पंप के केस में क्या होता है क्यू एच, बिकॉज हीट पंप में हमें हीट को पंप करना होता है इन द स्टोरेज स्पेस, यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, जबकि रेफ्रिजरेटर जो हम समर में यूज कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं हमें हीट को खींचना है निकालना है, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, तो उसका टेम्परेचर में कम करना है कम, तो दोनों केस में डिजायर्ड इफेक्ट अलग अलग है ना, ये समझाया था ना आपको, तो रीजन क्या असर्शन करेक्ट हुआ, बिल्कुल रीजन क्या बोल रहा है, इट इज द कंडेंसर हीट दैट इज यूजफुल, बिल्कुल सही बात है माय डियर, इस बार हीट पंप के केस में हमें हीट को रिजेक्ट करना है इनटू द स्टोरेज स्पेस विच इज पॉसिबल थ्रू कंडेंसर, तो इट इज द कंडेंसर हीट दैट इज यूजफुल द डिजायर्ड इफेक्ट इंस्टेड ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, और इसी की वजह से माय डियर क्या होता है सीओपी हमारी डिफरेंट होती है ऑफ द हीट पंप एज कंपेयर टू द रेफ्रिजरेटर, ऑल्दो दोनों ही क्या होते हैं रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, तो माय डियर रीजन तो बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है assertion को, बिल्कुल सही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा नो डाउट ए, बिल्कुल ए आंसर है इसका, गॉट द पॉइंट। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए, द सीओपी ऑफ एन एयर कंडीशनिंग प्लांट इज लोअर देन दैट ऑफ एन आइस प्लांट, बहुत ध्यान से समझिएगा माय डियर, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, द सीओपी ऑफ एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम एयर कंडीशनिंग प्लांट इज लोअर देन दैट ऑफ एन आइस प्लांट, द टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड इन द आइस प्लांट आर लोअर देन दोज रिक्वायर्ड फॉर एन एयर कंडीशनिंग प्लांट। देखो एक तो है एयर कंडीशनिंग प्लांट, ये सिंपल क्या होता है अपने घरों में जो होता है, घरों में जो एसी होता है ना, दैट इज ऑल्सो एयर कंडीशनिंग प्लांट राइट, बिल्कुल जो अपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो हमारा डोमेस्टिक एसी है ना, जो हम एसी चलाते हैं गर्मियों में हमारे घरों में, दैट इज ऑल्सो एयर कंडीशनिंग प्लांट। और एक होता है आइस प्लांट, माय डियर आइस प्लांट बड़े लेवल पे होता है, वहां पर हमें आइस मैन्युफैक्चर करनी, मतलब वहां पर हमें प्रोड्यूस करनी होती है आइस, आइस प्लांट का मकसद क्या होता है आइस प्रोड्यूस करनी है हमें, वाटर से आइस बनानी है, तो वहां पर हमें ज्यादा हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, जबकि जो एयर कंडीशनिंग प्लांट है अगेन ये क्या है फॉर कंफर्ट कूलिंग, समझ में आ रहा है, तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं राइट, तो द सीओपी ऑफ एन एयर कंडीशनिंग प्लांट इज लोअर देन दैट ऑफ द आइस प्लांट, क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है, एक तो कंफर्ट कूलिंग और एक आइस प्रोडक्शन वाला राइट, तो किस केस में सीओपी ज्यादा थी, कंफर्ट कूलिंग की कि आइस वाले की, बिल्कुल माय डियर कंफर्ट कूलिंग की सीओपी ज्यादा थी ना, अरे नोट्स को पलटो देखो, कंफर्ट कूलिंग वाले की सीओपी ज्यादा रही थी एज कंपेयर टू द आइस आइस प्रोड्यूसिंग, है ना, आइस के वाले के कंपैरिजन में कंफर्ट कूलिंग की सीओपी
ज्यादा आ रही थी। और ये क्या बोला है, सीओपी ऑफ एन एयर कंडीशनिंग प्लांट इज लोअर, ये बोल रहा है कंफर्ट कूलिंग की लोअर होती है। सही है गलत हो गया? गलत हो गया माय डियर स्टेटमेंट, असर्शन बिकम्स रॉन्ग। अरे बोलिए यार, समझ में आ रहा है? तो असर्शन रॉन्ग हो गया तो ऑटोमेटिकली माय डियर रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, रीजन तो करेक्ट ही होगा क्योंकि कोई ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं जिसमें असर्शन रीजन दोनों ही गलत हैं। तो अगर असर्शन गलत है तो रीजन तो सही होगा, देख लेते हैं। द टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड इन द आइस प्लांट आर लोअर, बिल्कुल सही बात है यार, आइस प्लांट में क्योंकि मैं आइस मैन्युफैक्चर करनी है तो टेम्परेचर तो इसमें कम चाहिए बहुत, देन दोज रिक्वायरमेंट फॉर अ एयर कंडीशनिंग प्लांट, क्योंकि ये हो रहा है सिर्फ कंफर्ट कूलिंग के लिए, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमें अटेन करना टेम्परेचर, बस उससे लो नहीं जाना, तो बिल्कुल सही रीजन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी या डी? ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज, समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ाते अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन और करते हैं अपन। चलिए अभी कन्वेंशनल क्वेश्चन देख लेते हैं ना, एक कन्वेंशनल क्वेश्चन हो जाए। ये देखिए, इट्स अ गुड प्रॉब्लम, ये देखिए माय डियर, सी हियर, अ रेफ्रिजरेटर स्टोरेज इज सप्लाइड विद 3600 केजी ऑफ फिश, ठीक है, हमारे पास में फिशेज हैं 3600 केजी, तो रेफ्रिजरेटर स्टोरेज हमें क्या फिशेस को इसके अंदर रखना है, तो मतलब बेसिकली फिशेस को हमें क्या करना है, मतलब वी हैव टू कूल इट डाउन। कूल करने से क्या होगा माय डियर, जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो ग्रो नहीं करेंगे ना, सिंपल है। इसीलिए हमें, क्योंकि जो फिशेज होती है माय डियर, उसको हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू सी, ऑफकोर्स थ्रू सी रूट फिशेस को क्या ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, तो दैट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। और इतने लंबे समय माय डियर फिशेज को अगर हमें, हमने ठंडा नहीं किया, मतलब इसको हमने बिलो जीरो डिग्री, मतलब काफी हम नीचे तक ले जाते हैं इसको, राइट, काफी नीचे टेम्परेचर पे, और दे भी रखा है -23, अगर हम इतने लो टेम्परेचर पे माय डियर इसको स्टोर नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, सड़ जाएंगे ये, जब तक ये पहुंचेंगे ना सड़ जाएंगे, तो फिशेस क्या होगी, किसी काम की नहीं रहेंगी, सो दैट विल क्रिएट ह्यूज लॉस फॉर द फिश इंडस्ट्री, राइट, समझ में आए। तो इसीलिए क्या होता है, हमें अगेन चाहिए रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट जो कि स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर -23 डिग्री प्रोड्यूस करे, गॉट द पॉइंट। और इनिशियली फिशेज जब हम उसको वहां से निकाल लें, तो दैट इज एट द रूम टेम्परेचर, दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड फिशेस को हमें ठंडा करना है -23 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फॉर प्रिजर्विंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड बिफोर डिटोरिएशन, समझ में आया। द कूलिंग टेक्स प्लेस इन 10 आवर्स, कितने घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए होता है, ठीक है। और क्या दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ फिश इज 2 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन अबव फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फिश एंड 0.5 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन बिफोर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि अगर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे तब तो फिशेस का जो है वो थोड़ा बहुत आइस जमने लग जाता है ना उनमें, तो इसलिए उसका 0.5 है, और अबव फ्रीजिंग पॉइंट तो वो आइस नहीं रहता, जो उसके ऊपर आइस जम गया वो आइस नहीं रहेगा, तो अब जो स्पेसिफिक हीट है फिश का वो 2 है, इसीलिए डिफर कर रहा है। और फ्रीजिंग पॉइंट जो दे रखा है वो -3 दे रखा है इनका, और लेटेंट हीट भी दिया आपको 230 किलो जूल पर किलोग्राम्स। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पावर टू ड्राइव द प्लांट, मतलब आपको क्या निकालना है, पावर इनपुट। इफ द एक्चुअल सीओपी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ आइडियल सीओपी, जो एक्चुअल सीओपी दैट इज हाफ दैट ऑफ आइडियल। अरे क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए फिर से देख लीजिए आप क्वेश्चन को अच्छे से, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो और फिर ट्राई टू अटेम्प्ट, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, राइट। नाउ लुक एट हियर माय डियर फ्रेंड्स, अटेम्प्ट करिए प्लीज जिनको आता है। तो हमें क्या करना है, फिश से हीट को निकालना है, जो फिश के अंदर हीट प्रेजेंट है, जब उससे हीट निकालेंगे मतलब स्टोरेज स्पेस से, तभी हमारा टेम्परेचर डाउन जाएगा ना, राइट। तो इनिशियली फिश हमारी कितनी टेम्परेचर पे, 27 डिग्रीज, तो 27 पे पहले से पहले हम कहाँ लेके आएंगे उसको, देखिए 27 डिग्री सेल्सियस से हम लाएंगे पहले -3, है ना, -3 पे लेके आएंगे जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। फिर क्या होगा, यहीं पर ही उसका हो रहा होगा फेस चेंज, मतलब ऐसे समझो यहां पर ये लिक्विड, यहां पर ये कुछ लिक्विड फॉर्म में है, फिर यहां पर ये भी लिक्विड है, राइट। फिर -3 डिग्री क्या हो जाएगा, फ्रीज होने के बाद सॉलिड, इसको ऐसे समझो, और फिर उसके बाद में फाइनली क्या होगा, -23 डिग्री सेल्सियस सॉलिड। तो इस तरीके से हो रहा होगा ना,
इस तरीके से चल रहा होगा टेम्परेचर ट्रांजिशन। पहले तो 27 डिग्री सेल्सियस पे फिश थी जो लिक्विड फेज में होगी, फिर जाकर के वो हो गई -3 डिग्रीज पे विच इज अगेन लिक्विड, फिर फ्रीजिंग हुआ तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ फेज चेंज होगा लिक्विड से सॉलिड, उसके बाद में फिर और फ्रीज करेंगे तो -23। ये यहां तक लेके जाना है ना अपन को। तो यहां पर तीन फेज में कूलिंग हो रही है, सेंसिबल कूलिंग, लेटेंट एंड देन अगेन सेंसिबल, समझ में आया। तो अब इसीलिए अलग अलग सीपी दे रखी, समझ में आया, इसीलिए अलग अलग स्पेसिफिक हीट दे रखी। इस केस में सीपी क्या दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, अबव फ्रीजिंग पॉइंट है ना, कितना दे रखा था 0.5 है ना किलो जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। और इस केस में जो सीपी दिया है दैट इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे है ना, तो ये है 2 किलो जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। और यहां पर तो लेटेंट हीट वाला काम आएगा, है ना, राइट। सो देयरफॉर कैन आई फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो हीट निकाली जा सकती है, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड क्या हो जाएगा, एमसी डेल्टा टी 27 डिग्री से -3 डिग्री प्लस एम इंटू एल लेटेंट प्लस अगेन एमसी डेल्टा टी सेंसिबल -3 से -27। बात समझ आ रही है, यही क्या हो जाएगा माय डियर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, राइट। तो ये हो जाएगा एम, मास ऑफ फिश कितना दिया है 3600 है ना, 3600 इंटू मास तो सब में कॉमन आ जाएगा ना। अब सी वैल्यू 27 से जब -3 जा रहे हैं तो ये वाला काम आएगा ना 0.5, तो 0.5 इंटू डेल्टा टी, सो 27 -3 है ना, प्लस लेटेंट हीट, एम तो कॉमन निकल गया ना बाहर, लेटेंट हीट क्या है 230 है ना, 230 प्लस अगेन, अब इस बार कौन से लेंगे 2 इंटू डेल्टा टी, तो -2 -27 सो 23 है ना, 23 होगा इस बार, 23 राइट, -2 से -2 भी नहीं है, -3 है ना, -3 से जाएंगे -23 तक है ना, सो दिस विल बी -3 -23 राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 है ना। तो ये पूरा सॉल्व करो कितना आता है,